हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा शिमला मिर्च। तो देखिए, मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से धो लिया था। अब मैं ऊपर से इनको काटूँगी इस तरह से, और आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो देखिए, शिमला मिर्च को मैंने सभी को इस तरह से काट लिया, अंदर से सारा निकाल लिया इनके बाहर। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर उसको गर्म करूँगी। ये देखिए, तो ऑयल मेरा गर्म हो गया है। तो अब मैं डालूंगी इसमें जीरा। तो अच्छे से जीरा जब तक भून ना जाए अच्छे से इसको चला लूंगी। और बारीक काटे हुए प्याज इसमें डाल दूंगी और अब अच्छे से इनको भून लूंगी। प्याज को ब्राउन होने तक इनको ऐसे ही चलाती रहूंगी। तो देखिए, मेरे प्याज रेडी हो गए हैं भून कर, ये देखिए। तो अब मैं डालूंगी इसमें नमक स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। गरम मसाला, और 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब अच्छे से मैं इन मसालों को भून लूँगी, प्याज के साथ इस तरह से इनको भून लूँगी अच्छे से। तो देखिए, हमारे मसाला जो अच्छे से भून गया है, और अब बॉईल हुए हैं, बॉईल किए हुए आलू इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए, अच्छे से मैंने मैश कर लिए थे पहले ही। अब इनको अच्छे से मिला लूंगी। अब ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मिला लिया। और अब मैं इसमें डालूंगी 2-3 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और अब इसको प्लेट में निकाल कर शिमला मिर्च में अच्छे से भर लेंगे। तो सभी शिमला मिर्च को हमने अच्छे से इस तरह से भर लेना है। अब गैस पर मैंने देखे वही कढ़ाई रख ली है, और इसमें डालूंगी मैं ऑयल। और जो भरी हुई शिमला मिर्च थी एक एक कर कर इसमें डालती जाऊंगी। तो देखिए, सारी शिमला मिर्च हमने इसमें डाल दिए। और ये देखिए, अच्छे से बनने भी लग गई हैं। अब बस इनको धीरे धीरे जिस साइड से कच्ची लगती है उस साइड से हम पलटते जाएंगे। ये देखिए, तो हमारी शिमला मिर्च देखिए बनकर रेडी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।